निश्चित तौर से आज की जो सूचना है वह बेहद दुखद है। दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। हमने एक महीने के अंदर ही कोरोना संक्रमण के कारण अपने मंत्रिपरिषद के दूसरे साथी और देश की संसद हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो और चाहे फिर उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर खेल मंत्री या होमगार्ड मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन हो, और चाहे क्षेत्र की जनता की दृष्टि से, चाहे प्रदेश की जनता की दृष्टि से उनकी सेवा और उनका जो कर्तव्य रहा है, उनकी जो सक्रियता रही है, आज जब उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ तो मैं तो आवाक रह गया। मतलब मेरे लिए यह एक तरह से एक अपने ऐसे बड़े भाई की तरह मित्र, जो अनुभव में भी, जो संघर्ष में भी, जो अनेक ऐसी चीज़ें शेयर करके, चर्चा करके हम लोग निकालते थे, और कोरोना का संक्रमण उनको भी अपने चपेट में लिया। इलाज चल रहा था, हम लोग तो इस उम्मीद में ही थे कि स्वस्थ होकर के आएंगे, लेकिन दो दिन पहले उनकी हालत अचानक बिगड़ जाती है और उन्हें वेदांता ले जाया जाता है। लेकिन आज 4:30 बजे यह सूचना जब प्राप्त हुई तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमने मंत्रिपरिषद के एक साथी के नाते ही एक सदस्य नहीं खोया है, बल्कि एक ऐसे अनुभवी, ऐसे संघर्षशील और ऐसे गरीबों, किसानों और प्रदेशवासियों के हितों के लिए लड़ने वाले और उचित तरीके से बात को रखने वाले अपने साथी को खोया है, जिसके लिए निःशब्द हूँ मैं। इसके पहले श्रीमती कमल रानी वरुण जी, वह भी हमारी कैबिनेट की साथी थीं, आज हम अपने दूसरे साथी को खोए हैं।